सुप्रभातम विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आइए आज कक्षा 9वीं पुस्तक क्षितिज भाग 1 से पाठ नंबर साखिया को पढ़ेंगे, जिसके लेखक कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया जो पाठ है साखिया, उसमें से साखी नंबर 7 को पढ़ने जा रहे हैं हम। तो आइए हम इस साखी नंबर 7 का स्वस्थ वाचन करते हैं और उसका भाव समझने का प्रयास करते हैं। ऊंचे कुल का जन्म यहाँ जो करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कुलस सुरा भरा साधो निंदा सोई। पुनः एक बार देखिए इसको। ऊंचे कुल का जन्म यहाँ जो करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलस सुरा भरा साधो निंदा सोई। बहुत सुंदर बात की गई इस साखी के माध्यम से। हमें कबीरदास जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, बहुत एक प्रेरणास्पद मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारे को मैसेज छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं साखी के माध्यम से कि ऊंचे कुल का जन्मिया, यदि मनुष्य का ऊंचे कुल में यानी श्रेष्ठ कुल में, श्रेष्ठ खानदान में, अच्छे परिवार में जन्म लिया या जन्म हुआ उसका हो, जिस मनुष्य का, और उसकी कर्मी यानी उसके जो कार्य हैं, उसके जो क्रियाकलाप हैं, उसके काम हैं, उसके कर्म हैं, उसके कार्य हैं, वो उच्च न होई यानी अच्छे नहीं, श्रेष्ठ नहीं। उसका जन्म तो अच्छे कुल में हुआ है लेकिन उसके कार्य क्या है, वो ऊंच नहीं है यानी अच्छे नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, खराब है उसके कार्य, तो उस व्यक्ति का कोई मतलब नहीं है। वो दूसरे तीसरे पद में इन्होंने कही गई है कि उस व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, तो उस व्यक्ति की स्थिति की उपमा यहाँ पर की गई है कि ऊंचे खानदान में जन्म लेने वाला या श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति के कार्य अच्छे नहीं होते हैं तो पूजनीय नहीं होता, वो सम्माननीय नहीं होता है। कैसे सम्माननीय नहीं होता है, तो यहाँ पर वो बात की गई है कि सुवर्ण कलश सुधा घड़ा। सुवर्ण यानी सोने से बना हुआ, कलश यानी घड़ा, सोने की धातु से, इस मूल्यवान धातु से बने हुए घड़े के अंदर सुरा भरा यानी शराब भर दी जाए। सोने धातु में सबसे बहुमूल्य कीमती जो धातु है वो सोना है, उस धातु से बने हुआ जो घड़ा है उसमें यदि सुरा भर दी जाए यानी मदिरा भर दी जाए या शराब भर दी जाए, तो उस सोने के घड़े का मूल्य घट जाता है और उस घड़े की साधु लोग क्या करते हैं, सज्जन लोग क्या करते हैं, उस घड़े की निंदा करते हैं, उस बर्तन की निंदा करते हैं। उसी प्रकार उस बर्तन का महत्व घट जाता है, वैसे न वैसे ही ऊंचे कुल में जो जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उस व्यक्ति का भी करनी उसकी अच्छी नहीं हो, उसके कार्य श्रेष्ठ नहीं हो, तो वो भी उस शराब, सोने के घड़े में भरी हुई शराब के समान उस बर्तन का कोई मूल्य नहीं रह जाता, वैसे वैसे उस व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं। यहाँ पर व्यक्ति जन्म से महान नहीं बनता है, कर्म से महान बनता है, ये बात की गई है। यानी कर्म श्रेष्ठ है, भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के बारे में वो बात की थी भगवद गीता में, वही बात यहाँ कबीरदास जी ने अपने साखी में कही है कि कर्म की पूजा होती है, व्यक्ति की पूजा नहीं होती है। व्यक्ति किसी भी कुल जन्म लिया हो, वो व्यक्ति कार्य उसके अच्छे नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, तो निंदा का पात्र बनता है, उस व्यक्ति की निंदा होती है। यहाँ जैसे सोने की घड़े की निंदा हो रही है, वैसे वैसे उस व्यक्ति की भी निंदा होगी। यानी यहाँ ऊंचे कुल के व्यक्ति को सोने के घड़े के समान तो बताया है, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार सुरा को अच्छी करनी नहीं होने से उसकी भी वहां तुलना की गई, इस प्रकार यहाँ पर बात की गई है। इसलिए व्यक्ति का जन्म ऊंचा होने से कोई महत्व नहीं है, उसके कार्य ऊंचे होने चाहिए। अगर वो व्यक्ति अच्छे कार्य नहीं करता है तो उसके उच्च कुल में जन्म लेना कोई सार्थक नहीं होता है। जिस प्रकार यहाँ सोने के घड़े में भरी हुई मदिरा से उस सोने की कलश की कीमत घट जाती है, वैसे वैसे उस व्यक्ति की कीमत घट जाती है, उसकी निंदा होती है,
कठिन शब्दार्थ देखिए, जन्म या जन्म लेने वाला जन्म हुआ, कर्म या कार्य कर्म काम या क्रियाकलाप, सुवर्ण सोना स्वर्ण गोल्ड धातु जो कहते हैं अपन, कलश यानी घड़ा कलश लोटा जो भी है, सूरा यानी शराब मदिरा, साधु यानी सज्जन अच्छे लोग, अच्छे लोग उसके कर्म अच्छे नहीं है तो उसकी निंदा करते हैं, वैसे वैसे यहाँ पर श्रेष्ठ कर्मों की बात की गई है। व्यक्ति किसी भी जाति में जन्म लें लेकिन उस व्यक्ति के कर्म अच्छे होने चाहिए, उसकी क्रियाकलाप हमेशा अच्छी होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति पूजनीय होता है, यानी व्यक्ति की पूजा नहीं होती है, ऊंचे कुल की पूजा नहीं होती है, कर्म की पूजा होती है, यानी व्यक्ति को हमेशा जीवन में अच्छे कार्य करते रहने चाहिए। ये साकी हमको प्रेरणा दे रही है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ज्ञान बढ़ाइए, मस्त रहिए, इस साकी को लीजिए। और कबीर दास जी के द्वारा लिखी गई पहले नंबर से सात नंबर तक की जो साकिया जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, मार्गदर्शन करेंगे, इससे सीख लीजिए और अपने जीवन को बहुत अच्छा उत्कृष्ट बनाएं। तब तक के लिए हम नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।